डिलाइट वेजी रसोई आज हम झटपट बनने वाली बर्फी बनाने जा रहे हैं जो है चॉकलेट बर्फी। तो आइए फटाफट देख लेते हैं उसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। हमने एक बड़ा चम्मच कोको पाउडर लिया है, आधा कप हमने बादाम और काजू को मिक्स करके दरदरा पीस लिया है, आधा कप हमने बिस्किट का पाउडर लिया है, मैंने पार्ले बिस्किट यूज़ किया, आप कोई भी स्वीट बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, एक बड़ा चम्मच मक्खन, एक बड़ा चम्मच अखरोट के दाने, बादाम को इस तरह से हमने लंबा काट लिया है जिसे हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर आधा कप व्हाइट चॉकलेट का यूज़ किया है, मैंने माइक्रोवेव का यूज़ करके व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है, आधा कप मिल्कमेड, एक से दो बड़े चम्मच दूध के। तो आइए चॉकलेट बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन या कढ़ाई लेंगे, अभी हमें गैस को ऑन नहीं करना, उसमें हम कोको पाउडर डालेंगे, कोको पाउडर में हम एक बड़ा चम्मच दूध का डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अभी ये मिक्सचर ड्राई है, हम इसमें आधा बड़ा चम्मच और दूध का डाल देते हैं, जिस हिसाब से हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी हम उसी हिसाब से दूध को इसमें डालते रहेंगे, लेकिन हमें इसमें ज़्यादा दूध नहीं डालना, हमें इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह की चाहिए। अब हम इसमें आधा कप मिल्कमेड ऐड करेंगे, मिल्कमेड के साथ ही हम इसमें मक्खन डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह से इसे मिक्स करने के बाद हम गैस को ऑन करेंगे, हमें गैस की फ्लेम हाई रखनी और इसे एक मिनट तक पकाना है और साथ के साथ हम इसे चलाते रहेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इसे पकाते हुए एक मिनट हो चुका है और इसमें हल्का हल्का बॉयल आने लग गया। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें बिस्किट का पाउडर डालेंगे, काजू और बादाम का चूरा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें गैस की फ्लेम को बंद ही रखना है। इसे मिक्स करने के बाद हम गैस को ऑन करेंगे और इसे चलाते रहेंगे। इसे पकने में आधा मिनट लगेगा। ये देखिए इस मिक्सचर ने पैन का बेस छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें अखरोट के दाने डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस तरह का एक मोल्ड लेंगे और जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे और इसे सेट कर देंगे। आप कोई भी मोल्ड यूज कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर व्हाइट चॉकलेट डाल देंगे और इसे इस तरह से इक्वली फैला लेंगे। अब हम इस पे जो हमने लंबे बादाम काट के रखे हुए थे वो डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इस पे लंबे कटे हुए बादाम डाल दिए हैं। अब हम इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब ये जो बर्फी है ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। हम इस तरह से साइड को अलग करेंगे और इसको इस तरह से पलट के अलग कर देंगे। अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी चॉकलेट बर्फी बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पा सकें और कमेंट सेक्शन में मेरी रेसिपी के बारे में अपनी फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिए। थैंक यू।